नमस्कार, सुमस किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कच्चे केले का कोफ्ता बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 केले को उबाल के लेके रखी हूँ। अब मैं इसका छिलका निकाल दूंगी। ऐसे इसका छिलका निकाल देना है, आसानी से निकल जाता है। अब मैं इसमें मसाला मिला दूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर मसाला लेके रखी हूँ, मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक कम देना है, ग्रेवी में भी नमक देना पड़ेगा। बेसन 3-4 चम्मच और लहसुन और अदरक का पेस्ट आधा चम्मच। अब मैं इसको मिला लूँगी। अब मैं इस मेरा जो डो था वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसका गोल गोल करके बना लूँगी, लड्डू जैसा इसको बनाना है ऐसे। मैंने यहाँ पर 3 केला लेके रखी थी। आप लोग को अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा केला ले सकते हैं, या कम बनाना है तो 1-2 कम भी ले सकते हैं। जो केला था उसको मैंने बना के 15 पीस जैसा हुआ है। अब मैं इसको तेल में तल लूँगी। तेल में तलने के लिए मैं इसमें दे रही हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। कोफ्ता जो है वो तल चुका है, देखिए गोल्डन कलर का हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। कितना खूबसूरत कलर हुआ है। पैन में बहुत ज्यादा तेल था तो मैंने तेल के निकाल को अलग से रख दी हूँ। अब मैं इसमें फोड़न दे दूंगी। यहाँ पर मैंने 3 तेज़पत्ता लेकर रखी हूँ और लौंग और दालचीनी और ये हरी मिर्च है, 2-3 हरी मिर्च है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून के, अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज है ये मैं दे दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले कट करके रखी हूँ। अब इसको अच्छा से ब्राउन होने तक भून लेना है। अब मैं इसमें टमाटर दे रही हूँ। यहाँ पर 2 टमाटर कट करके रखी हूँ। टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेना है। टमाटर भून चुका है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट दे रही हूँ 1 चम्मच जैसा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर। अब मैं इसको मिला दूंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जैसा नमक दे रही हूँ, आप अपना स्वाद के हिसाब से दीजिए। और इसको अच्छा से मिला के मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ
मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें जो कोफ्ता है मैं इसमें दे दूंगी। ये देखिए इसमें मैं गरम मसाला दे रही हूँ, गरम मसाला दे रही हूँ। कोफ्ता लगभग बनकर रेडी हो गया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ऐसे बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग का मेरा रेसिपी कैसा लगता है। अच्छा लगने से लाइक कमेंट और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इसको ज़्यादा सूखा नहीं करना है। एक केला है, ये जो ग्रेवी है इसको सोख लेगा, तो मुझे ऐसा ही रखना है। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए मैं धनिया पत्ता दे रही हूँ। ये देखिए केले का कोफ्ता बनके रेडी हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा एक चम्मच जैसा मैं घी दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तब दीजिए। ये केले का कोफ्ता बन के रेडी हो चुका है, देखिए कितना कलरफुल हुआ है। आप लोग ऐसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए आप लोगों का मेरा रेसिपी कैसा लगता है। अच्छा लगने से लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।